भी खेलना चाहते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अपने पीसी या लैपटॉप पे, पर आप खेल ही नहीं पा रहे या आप ब्लू स्टैक्स 5 में चला रहे तो भैया काफी ज्यादा लैग कर रहा है, अतई लैग कर रहा है, मतलब अपन खेल ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे तो भैया ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है BGMI लवर्स के लिए जो कि अपने पीसी या लैपटॉप पे प्ले करना चाहते हो। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वॉच आउट नहीं किया ये कैसे हम BGMI को विदाउट डाउनलोडिंग खेल सकते हैं, तो भैया आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वेल गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कैसे आप ब्लू स्टैक्स 5 में अपने लो एंड पीसी में BGMI को प्ले कर सकते हो एंड कैसे अपने जो भी एरर्स आपको BGMI में आ रहे हैं वो सभी आप फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और एक बात दोस्तों कि जितने भी नेसेसरी फाइल्स के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले वीडियो देख लो। और एक बात दोस्तों, कॉल करते करते आपने प्यारे दोस्त ने इस वीडियो को सजेस्ट किया है तो भाई एक लाइक एक शेयर जरूर करके जाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक BGMI का लैग फिक्स फाइल को डाउनलोड करना है। इसका साइज 94 MB है। तो ये मेरे वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है APK प्लस OVB लेटेस्ट वर्जन तो भैया वो भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड इस फाइल में आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें मिल जाती हैं। एंड जैसे यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो भैया यहाँ पासवर्ड मांगे एंड पासवर्ड है BYTP, सभी कैपिटल लेटर पे है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, हमें इसे ओपन करना है। यहाँ पर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फाइल्स देखने को मिलेंगे। पहला स्टेप आता है दोस्तों यहाँ पर इम्युलेटर, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे भाई ये क्या दो इम्युलेटर तू दे रहा है ब्लू स्टैक का, तो भैया 32-bit एंड 64-bit, बस 32-bit वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भैया आप 32-bit में जा रहा एंड 64 वाला है तो भैया 64 वाले को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ भैया, तो मेरे को कोई नीड नहीं है। तो यहीं पर आपका जो पहला स्टेप रहता है गलती यहीं पर हो जाता है कि भैया आपके पास 32 रहता है, आप डाउनलोड कर लेते हो 64 वाला, ठीक है। तो भैया ये आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला हमें करना है क्लीन में जाना है। यहाँ पर आपको कैशे एंड जंक क्लीन, तो सिंपली आपको कैशे को यहाँ पर आपको डबल टैप करना है एंड ऑटोमेटिकली जितने भी आपके जंक फाइल रहेंगे, जितने भी आपके अनवांटेड फाइल रहेंगे, वो ये कमांड उन सभी को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट होने में भी आपका 20 से 30 सेकेंड ले सकता है, तो चलिए इसे कंप्लीट होने देते हैं। तो क्या करना है, आपने को जंक फाइल में डबल टैप करना है एंड बस अपना यहां पर स्टेप 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अपन बैक चलते हैं, अब चलते हैं अपन स्टेप 2 में। यहाँ पर CPU करके दिखा है, सिंपली आपको इसमें जाना है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम रेजोल्यूशन मिलेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर इसे आपको मैक्सिमम पे कर लेना है, जब भी आप गेम खेलो तो यहाँ पर आप इसे मैक्सिमम पे कर लेना, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अनपार्क CPU करके दिखेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, बहुत ही सिंपल वे ओपन करना। अब यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस में से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड ये आप जैसे देख सकते हैं कोर पैक इंडेक्स, इसको सिंपली आपको बढ़ा देना है, ठीक है। इसे आपको सिंपली 60 पे कर लेना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करना है, मेक श्योर आप जब भी आप गेम खेल लो तो इसे आप फिर से 10 में कर लेना, ठीक है। तो इसे मैं अभी 60 में कर लेता हूँ, चलो इसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसे भी अपन यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन सिंपली बैक चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ रजिस्ट्री फाइल को इंस्टॉल करना है। सिंपली आपको 1 by 1 सभी रजिस्ट्री फाइल को यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ओके, सिंपली गेम ऑप्टिमाइज रजिस्ट्री फाइल को आपको ये सिंपली डबल टैप करो, यस करो, यस करो एंड आपका जो रजिस्ट्री फाइल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हम बैक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्चुअल C++ रन टाइम ऑल इन वन का, यहाँ पर मैं आपको जुलाई का सबसे लेटेस्ट अपडेट वाला दे रहा हूँ। तो भैया आप बोलोगे भाई ये मैं क्यों इंस्टॉल करूँ, मेरे पास तो डायरेक्ट एक्स सभी इंस्टॉल है। तो भैया अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो अगर आप पे कोई ब्लैक स्क्रीन का एरर आता है या कोई भी DLL फाइल का एरर आता है तो भैया ये एरर आपके कंप्यूटर से छू मंतर हो जाएगा। सिंपली आपको इंस्टॉल नाउ में यहाँ पर टिप क्लिक करना है एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है।
यहाँ पर हमारा जितने भी DLL फाइल है वो सभी इंस्टॉल हो चुके हैं। अपने को कोई भी DirectX या लंद फन का एरर अब नहीं आने वाला है अपने कोई भी गेम में। चाहे आप BlueStacks को ले लो, आप कोई भी गेम इंस्टॉल करोगे तो आपका वो एरर छूम अंतर हो चुका है। ठीक है, अपन सिंपली बैक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट होता है, तो सिंपली हम इसे कट करते हैं। मेक श्योर आप इम्यूलेटर इंस्टॉल कर ले, तो यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ इम्यूलेटर। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ पर ऑल सेटिंग्स पे चलते हैं। ऑल सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है गेमिंग में। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक्सबॉक्स गेमिंग बार, इसे आप सिंपली ऑफ कर लेना। ठीक है, इसे एनेबल मत करना। ठीक है, गेमिंग मोड ऑफ रहेगा, सिंपली यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। ग्राफिक्स सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है एंड आपको जाना है सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे जाना है प्रोग्राम फाइल पे। यहाँ पर आपको BlueStacks करके यहाँ पर दिखेगा फोल्डर, यहाँ पर आपको नीचे आना है और ये देख सकते हो HD प्लेयर करके यहाँ पर दिख रहा है, सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड सिंपली अपन यहाँ बैक पे क्लिक करते हैं। बैक पे क्लिक करते हैं, जाना है अपने को ऐप्स में। ठीक है, ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो भी आपको यूजेस नहीं हो रहा तो भैया कृपया करके उसे आप अनइंस्टॉल कर लो। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको अब जाना है यहाँ पर स्टार्टअप पे। ठीक है, स्टार्टअप पे भाई इन सभी को आप ऑफ कर दो। ठीक है, इनका आप कोई काम नहीं, सिंपली इन सबको ऑफ कर दो अभी के लिए। जब तक आप गेम खेलोगे तो इन सभी को ऑफ करके खेलना। ठीक हूँ, तो इन सभी को आप ऑफ कर लो एंड जो आपको भाई नीड है उसे आप ऑन कर लो। तो यहाँ पर मैंने इसे भी ऑफ कर लिया। अब चलते हैं अपन बैक पे। अब अपने को जाना है सर्च बार पे, यहाँ पर अपने को टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये सभी चीज़ें करना आपको बहुत ही नीड है। सिंपली हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर फिर से सर्च बार पे आना है। यहां पर आपको लिखना है पावर, एडिट पावर प्लान। ठीक है, यहां पर आपको आ जाना है एंड यहां पर आपको आने के बाद पर आपको आ जाना पावर ऑप्शंस पे। ठीक है, यहां पर आप जैसे देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, इसे आपको सिंपली हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो भी सेटिंग्स है वो कंप्लीट होता है। अब क्या करना है, अब अपने को अपना BlueStacks को यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना आइकन में एंड सिंपली आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ पर जो सिटी में आना है इसे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक कर लेते। अब क्या करना है, आपको BlueStacks को ओपन करना। जब तक हमारा BlueStacks ओपन हो रहा है सिंपली आपको Alt Control Alt Delete प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर अपन टास्क मैनेजर पे चलते हैं एंड यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख रहा होगा। ठीक है, डिटेल्स पे आना है, थोड़ा टाइम लेगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको HD प्लेयर EXE करके राइट क्लिक करना है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है, इसे आपको हाई कर लेना है। ठीक है, चेंज पे कर लेना है एंड यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स कंप्लीट होता है दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ पर BlueStacks के सेटिंग्स को ओपन कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, एंड ये सेटिंग्स आपको एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर आपके पास 4GB रैम है और 2 कोर का प्रोसेसर है, भैया देखो जितना कोर का प्रोसेसर रहेगा उतना ही कोर का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास 4GB रैम है तो जो 2GB यहाँ पर आपको मेमोरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कोर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास 4 कोर है तो सिंपली आप 4 पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे लिए सुटेबल है। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स पे आपको इसे 1280x720 पे आपको कर लेना है। DPI में आपको 240 DPI कर लेना है, मतलब मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्राफिक्स पे आते हैं दोस्तों। ग्राफिक्स में आपको यहाँ पर ग्राफिक्स इंजन मोड में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर लेना है। ग्राफिक रेंडरिंग में आपको यहाँ पर OpenGL को सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आप जैसा देख सकते हैं, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो DirectX पे आप जा सकते हो। यहाँ पर आप डिवाइस सेटिंग्स पे आना, यहाँ पर आपको OnePlus करना है एंड नेटवर्क प्रोवाइडर में आपको Vodafone सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर बेसिकली और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ मैं कट करता हूँ क्योंकि मेरा पहले से जो भी मैं ऑलमोस्ट डन है। चलिए अपना गेम को ओपन करते हैं एंड BlueStacks में एक और बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी हम गेम खेलते हैं तो हमारा जो कैरेक्टर रहता है वो ऑटोमेटिक ही दौड़ने लगता है। ठीक है, ये एरर आता है ना, तो अपन ये भी फिक्स करेंगे। टेंशन में वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यार अपने को गेम भी अच्छे FPS पे खेलना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको सिंपली सेटिंग्स पे आ जाना है पहले, यार पहले सेटिंग्स पे आ जाओ। ठीक है, ग्राफिक्स पे अपन आते हैं। यहाँ पर आपको स्मूथ एंड मीडियम में सेलेक्ट करना है
और स्टाइल इफेक्ट में यहाँ पर आपको स्टाइल में क्लासिक कर लेना और कुछ भी मत करना भाई, वरना बहुत बेजोड़ लैग करने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन अल्ट्रा तक जाएगा, बट अल्ट्रा मत करना, ठीक है। बाकी ये आपका आपके ऊपर है, आप बेसिक्स पे जाना। अब यहाँ पर हम की मैपिंग वाला सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर की मैपिंग में यहाँ पर आपको करना है गेम मोड में, गेम कंट्रोल्स पर आपको करना है, ओपन एडवांस एडिटिंग में आपको जाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बार आपको रीसेट कर लेना है, ठीक है। रीसेट कर लिया भैया, एंड ये जो F1 है यहाँ पर आप कंट्रोल कर लो, अपना ऑल्ट यहाँ पर कर लो, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सिंपली सेव पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन इसे कट करते हैं, एंड अपना जो प्रॉब्लम था भैया कि अपना जो कैरेक्टर अपने आप दौड़ने लगता था, तो भैया वो प्रॉब्लम आपको कतई फेस नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप सेटिंग्स पे आ जाओ एक बार यार, यहाँ पर आप कंट्रोल्स पे आ जाओ, व्हीकल्स पे आ जाओ, सॉरी, ये सेलेक्ट, आपको व्हीकल्स फर्स्ट वाला सेलेक्ट रहेगा, सिंपली आपको सेकंड वाले को सिंगल जॉयस्टिक वाला पे आप करना, ये वाला सेलेक्ट करना, तो आपका जो गाड़ी वाड़ी है उसको चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम एक मैच खेल के देख लेते हैं, देखते हैं अपने को कैसा यार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो अपन सिंपली एक TDM ही खेल लेते हैं, चलिए अपन एक सिंगल खेलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ से अपन फुल स्क्रीन कर लेते हैं। Play responsibly. Okay, तो वेलके जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो गेम है वो चालू हो चुका है, एंड अपने को अभी तक यहाँ पर आपको जैसे देख सकते हैं हमारा गेम काफ़ी स्मूथली चल रहा है, एंड अपने को कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में आपको हल्का सा लैग फेस होगा दोस्तों, एंड जो कैरेक्टर का जो अपने आप चलता था वो प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुका है, एंड अपना जो ये देख सकते हो अपना जो माउस वाला भी सेंसिटिविटी वाला वो भी प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। तो भैया काफ़ी ओपी यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम है वो काफ़ी स्मूथली चल रहा है, अपने कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जो ब्लू स्टैक में लैग फिक्स कर रहे हैं या वो खेल नहीं पा रहे हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड ऐसा कोई भी दिक्कत आता है दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक है जाके ज्वाइन कर लो, तब तक के लिए बाय बाय।